ओके, गुड मॉर्निंग 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स के लेक्चर नंबर 2 के साथ हम लोग शुरू करते हैं। मैंने 1 पे मैंने ये बोला था कि आज हम लोग इस लेक्चर में स्विमर का एक सम लेकर शुरू करेंगे, न्यूमेरिकल्स लेकर शुरू करेंगे, और इसी से हम आज लेक्चर का अपना शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूमेरिकल लिखो। कंसिडर ए स्विमर स्विमिंग इन ए स्विमिंग पूल एट 6 मीटर बिलो सरफेस ऑफ वाटर। कैलकुलेट द प्रेशर ऑन द स्विमर ड्यू टू वाटर अबोव डेंसिटी इक्वल्स टू 1000 kg per meter cube, ग्रेविटी इक्वल्स टू 9.8 meter per second square। तो देखो, एक स्विमर है, ठीक है, जो स्विमिंग पूल में स्विम कर रहा है, ठीक है, एट ए हाइट ऑफ डेप्थ ऑफ 6 मीटर। तो हमें फाइंड आउट करना है कि जो ऊपर उसके जितना पानी है वो नीचे कितना उसके ऊपर प्रेशर लगा रहा है, ठीक है। तो हमें डेंसिटी दिया हुआ है, ग्रेविटी दिया हुआ है। लास्ट लेक्चर में वी हैव सीन द फॉर्मूला फॉर प्रेशर। प्रेशर इक्वल्स टू पी इक्वल्स टू एच इंटू रो इंटू जी, वेर एच इज हाइट, रो इज डेंसिटी एंड जी इज ग्रेविटी, करेक्ट। तो लेट अस मल्टीप्लाई 6 × 1000 × 9.8। तो 6 × 10⁻³ × 98 × 10⁻¹ डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं ना इससे, इसलिए ऐसा किया। 98 × 6 = 488 × 10⁻², बराबर। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 घर इधर शिफ्ट करता हूँ, राइट। तो 5.88 × 10⁴ पास्कल, सॉरी हाँ पास्कल लिख सकते हो, बिकॉज इट कैन बी ऑल्सो बी कैलकुलेटेड इन न्यूटन मीटर्स। 98 × 6, 9.8 को क्या लिखा 98 × 10⁻¹, और 1000 को क्या लिखा 10⁻³। 98 और 6 को मल्टीप्लाई किया तो 588 मिला। तो मैंने 2 घर इधर शिफ्ट किया तो 10⁴ हो गया। देखो पॉइंट बाद में 2 साइड इधर भी आएगा, क्लियर। देखो कितना ज़्यादा प्रेशर है ये 5.88 × 10⁴ पास्कल, ठीक है। अब इसी वजह से जैसे जैसे ये डीप बढ़ता जाएगा तो अपने आप ये जो फैक्टर है, ये जो 6 है, ये बढ़ता जाएगा। मतलब अगर 7 मीटर हुआ तो यहाँ 7 से मल्टीप्लाई होगा, 8 हुआ तो 8 से मल्टीप्लाई होगा, 9 हुआ तो 9 से मल्टीप्लाई होगा। तो जितना भी स्विमर डिप जाता है उसका प्रेशर उतना ही बढ़ता रहता है। तो एज ए रिजल्ट तुम लोगों ने डिस्कवरी में देखा होगा कि व्हेन इन सी एक स्विमर जब बहुत ही डीप अंदर जाता है, बहुत ही डीप अंदर जाता है, समझो 100 या फीट या 200 फीट नीचे जाता है, तो ही वियर्स ए प्रोटेक्टिव कवर,
एक जैकेट और एक सूट पहनता है, ठीक है, एयर फील्ड गैस फील्ड सूट पहनता है, जिससे कि उसको पानी का प्रेशर ना एक्सपीरियंस हो। क्लियर एवरीवन? ओके, समझाइए सब। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इज आवर एटमोस्फियरिक प्रेशर। सी, सो एटमोस्फियरिक प्रेशर, सी वी नो इन अर्थ, अगर मैं एक पर्टिकुलर लैंड कंसिडर करूँ और यहाँ पर मैं हूँ, तो मेरे सराउंडिंग में पूरा एटमोस्फियर है, राइट, एंड ये एटमोस्फियर मेरे ऊपर प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, राइट, दैट्स वाई मैं प्रॉपरली ब्रीथ कर पा रहा हूँ, या मेरे ब्लड मेरे कान और नाक से बाहर नहीं आ रहे, दिस इज बिकॉज ऑफ एटमोस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो जैसे जैसे हम जानते हैं कि हम हाइट पर जाने लगे, सपोज किसी माउंटेन पर चले गए हम लोग, तो एटमोस्फेरिक प्रेशर धीरे धीरे क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है, प्रेशर डिक्रीजेस। हम और ऊपर चले जाएंगे, सपोज फ्लाइट पर, ठीक है, तो एटमोस्फेरिक प्रेशर और ज्यादा कम हो जाता है, एटमोस्फेरिक प्रेशर फर्दर डिक्रीजेस। क्यों ये डिक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो, यहां पर नीचे जब हूं तो इतना सारा एटमोस्फेयर मुझ पर कंट्रीब्यूट कर रहा है, प्रेशर दे रहा है, जब मैं ऊपर जा रहा हूं तो यहां जितने एटमोस्फेयर है वो कैंसिल हो गए, तो अपना प्रेशर डिक्रीज हो गया। इससे भी ऊपर चला गया तो पहाड़ के ऊपर अगर मैं चला गया और ऊपर फ्लाइट पे चला गया, तो जितने एटमोस्फेयर इसके नीचे हैं वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे, उन लोग प्रेशर नहीं दे पा रहे आपके सर पे, आप तो उनके ऊपर जाके बैठे हो, तो एज वी इंक्रीज इन हाइट द एटमोस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस। तो एज ए रिजल्ट हम लोग सी लेवल पर जो प्रेशर रहता है दैट इज कंसिडर्ड एज स्टैंडर्ड प्रेशर, स्टैंडर्ड एटमोस्फेरिक प्रेशर। तो हमेशा स्टैंडर्ड एटमोस्फेरिक प्रेशर हमारे सी लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर? एटमोस्फेरिक प्रेशर के बारे में समझा? तो एटमोस्फेरिक प्रेशर एंड सी लेवल इज कॉल्ड एज नॉर्मल एटमोस्फेरिक प्रेशर। जो सी लेवल पे रहेगा दैट इज कंसिडर्ड एज नॉर्मल एटमोस्फेरिक प्रेशर, एंड उसके ऊपर चले जाओगे तो वो एटमोस्फेरिक प्रेशर धीरे 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 गिरता रहेगा, ठीक है। देयरफॉर हम अगर हम स्पेस पे चले जाए तो एटमोस्फेरिक प्रेशर बुरी तरह गिर जाता है, तो डिक्रीजेस, मतलब वहाँ पे जीरो है, वैक्यूम हो जाता है वहाँ पे सिचुएशन, एज ए रिजल्ट इंसान के बॉडी बर्स्ट होकर वो मर जाएगा। पानी के अंदर, समुंदर के अंदर भी अगर हम बिना किसी प्रोटेक्शन कार्ड के अगर नीचे चले जाते रहे तो बॉडी बर्स्ट हो जाएगा इसी प्रेशर के कारण, और अगर हम स्पेस में चले जाए बिना सूट के तो भी ये बॉडी बर्स्ट हो जाएगा बिना प्रेशर। ओके, टू सी, तो अगर तुमने देखा होगा तो इंडिकेट टू मेजर दिस प्रेशर, ठीक है, अगर हम गाड़ी के टायर में भी एयर भरते हैं तो एक नॉब आता है जहाँ पर एक प्रेशर गॉज मीटर रहता है जो प्रेशर दिखाता है, जो इंस्ट्रूमेंट हो उसमें भी प्रेशर दिखाता है, जो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट है जिस पे लगा कर देखते हैं कि एयर के अंदर कितना, टायर के अंदर कितना प्रेशर है, तो दैट इज इंडिकेटेड बाई ए पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। सो अगला डेरिवेशन हम करेंगे दैट इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट प्रेशर और गॉज प्रेशर। ये तुम्हारा आज के लेक्चर का डेरिवेशन, ठीक है। तो लेट अस कंसिडर, सबसे पहले एक डायग्राम ले लेते हैं, ये डायग्राम बनाओ सब लोग। यहां पे P1 प्रेशर, यहां पर P2, यहां पे X1, यहाँ पे X2 एयर, और यहाँ पर
वाटर, ठीक है, ये वाटर है, ड्रॉ द डायग्राम एंड लिखो, कंसिडर ए टैंक फिल्ड विथ वाटर एज शोन इन फिगर, बराबर, लेट एक्स वन एंड एक्स टू बी हाइट मेजर्ड, देखो यहां पर हाइट मेजर्ड हुआ, तो देयरफॉर एच इक्वल्स टू, मैं क्या लिख सकता हूँ, एस वन माइनस एक्स टू, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन मुझे हाइट देगा, हो गया, एंड ऑफ कोर्स हियर एक्स वन इज ग्रेटर देन एक्स टू, एक्स वन ऊपर है राइट, तो ये हाइट ज्यादा पे है एज कंपेयर टू दैट ऑफ एक्स टू, हो गया। तो लिसन, जब भी ये किसी भी एक तरीके के गॉज को हम अंदर डालने की कोशिश करते हैं तो हम ऊपर से एक फोर्स लगाते हैं, लेट इट बी एफ वन, और ये ऊपर आने की कोशिश करता है, लेट इट बी एफ टू, करेक्ट कि नहीं। तो लिखते हैं थर्ड पॉइंट, लेट एफ वन बी द फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड्स एंड एफ टू बी द फोर्स एक्टिंग अपवर्ड्स, करेक्ट है। नाउ सी, तो इस गॉज का भी एक मास है, ये भी ग्रेविटी पे एक्ट कर रहा है, ठीक है, तो हमें क्या मालूम, जितना फोर्स हम, रूल ही है फिजिक्स का, हम एक तरफ देंगे F1, उतना ही फोर्स हमें उल्टा भी मिलेगा, इट इज कॉल्ड एज एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, करेक्ट। तो जितना फोर्स हमने नीचे की तरफ दिया उतना फोर्स हमें ऊपर की तरफ भी मिलेगा, तो देयरफॉर हम लोग, लेट अस कंसिडर, लेट एम बी मास ऑफ गॉज एंड जी बी ग्रेविटी, देयरफॉर देखो अब ऊपर से कितना प्रेशर आ रहा है, एक तो मेरा फोर्स आ रहा है प्लस इसका मास और ग्रेविटी, तो एफ टू इक्वल्स टू एफ वन प्लस एम जी, मतलब एफ वन और मास और ग्रेविटी, गॉज का प्रेशर, बाहर से जितना फोर्स आ रहा है दोनों मिलकर क्या बनाएगा, एफ टू बनेगा, मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर वन, एफ टू इक्वल्स टू एफ वन प्लस एम जी, बराबर। तो देखो अब क्योंकि ये ऊपर है यहाँ प्रेशर अलग है, करेक्ट कि नहीं, इधर पानी अलग है, और क्योंकि ये नीचे है सिंस इट इज बिलो, यहाँ पर प्रेशर अलग है, ठीक है, P1 और P2 अलग है, तो लेट अस कंसिडर, लेट P1, नेक्स्ट पॉइंट फिफ्थ वन, बी द प्रेशर अपवर्ड एंड P2 बी द प्रेशर डाउनवर्ड, करेक्ट है। फोर्स इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला पता है, प्रेशर इनटू एरिया, मास इनटू एक्सेलरेशन तो होता ही है, लेकिन यहाँ पर प्रेशर और एरिया की बात हो रही है, तो एफ वन इक्वल्स टू पी वन ए एंड एफ टू इक्वल्स टू पी टू ए, करेक्ट, मार्क बोथ ऑफ दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर टू, करेक्ट।
राइट. नेक्स्ट फिफ्थ इक्वेशन हो गया. लेट अस कंसिडर डेंसिटी इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला है बचपन से मास बाय वॉल्यूम. तो डेंसिटी इक्वल्स टू एम बाय वी. तो एम इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. करेक्ट कि नहीं. तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम राइट. ये वॉल्यूम है. वॉल्यूम किसके ऊपर डिपेंड करता है. सी दिस. अगर कोई कंटेनर है समझो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ तुम लोगों को. देखो ये कंटेनर है और ये कंटेनर है. बोलो किसमें ज़्यादा पानी आएगा. ऑफ कोर्स इसमें आएगा. कैसे कैसे मेजर किया तुमने. पहले तो हाइट ऊपर से एरिया बराबर. तो हाइट और एरिया पे ये डिपेंड कर दिया राइट. तो एम इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू एरिया पे डिपेंड किया और हाइट पे डिपेंड किया एच. करेक्ट है. ये देखो एरिया कम है हाइट भी कम है ये देख के तुमने ऑब्जर्व कर लिया. तो डेंसिटी इनटू एरिया इनटू हाइट को हम लोग ने यहाँ पे कुछ मार्क किया. देखो ध्यान से देखो एच को हम लोग ने मार्क किया है एक्स वन माइनस एक्स टू. तो हम लोग यहाँ पे लिख दें एक्स वन माइनस एक्स टू. ये एरिया यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं एक्स वन माइनस एक्स टू बराबर. एंड लेट अस मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर थ्री. ओके ये मेरा किसका वैल्यू मिल गया एम का राइट. तो हमने इक्वेशन नंबर वन में देखो एफ टू इक्वल्स टू एफ वन प्लस एम जी लिखा था राइट. एफ टू का वैल्यू है पी टू ए. तो सब्सटीट्यूटिंग इन सेवेंथ पॉइंट सब्सटीट्यूटिंग वैल्यूज इन रिक्वायर्ड इक्वेशन वन एफ टू इक्वल्स टू एफ वन प्लस एम जी. तो लेट अस सब्सटीट्यूट. तो एफ टू बन जाएगा पी टू ए इक्वल्स टू पी वन ए प्लस एम के जगह पर क्या डालेंगे रो ए एक्स टू माइनस एक्स वन इन टू जी राइट. तो इसको प्रॉपरली लिख लेते हैं पी टू ए इक्वल्स टू पी वन ए प्लस रो ए जी एक्स टू माइनस एक्स वन. सिर्फ जी को आगे ले लिया ये थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा ना तो पीछे ले लिया मैंने ठीक है ना. सो दिस इज द इक्वेशन. दिस इक्वेशन इज यूज फॉर फाइंडिंग द प्रेशर इन साइड द लिक्विड. ओके तो राइट दिस इक्वेशन कैन बी यूज्ड टू फाइंड प्रेशर इन साइड ए लिक्विड. ओके नाउ लेट अस कंसिडर सम पॉइंट्स. नाउ केसेस लेट अस कंसिडर केसेस. ये तो लिक्विड के प्रेशर में आ गया पूरा पूरा. यहाँ पर जितना भी अंदर लिक्विड का प्रेशर था पी टू के पॉइंट पर वहाँ राइट. नाउ लेट अस इन ऑर्डर टू फाइंड द प्रेशर पी एट डेप्थ एच मतलब किधर भी डेप्थ पे फाइंड आउट करने के लिए हमें देखना है कि कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग. ठीक है एक जनरल फॉर्मूला समझो मैं क्या बोलना चाहता हूँ. एक जनरल फॉर्मूला की ओर अभी हम लोग ध्यान देंगे ठीक है. तो लेट अस लुक फॉर द जनरल फॉर्मूला टू फाइंड केस नंबर वन टू फाइंड डेप्थ प्रेशर पी एट डेप्थ एच बिलो लिक्विड सरफेस मतलब किधर पे कहीं पर भी प्रेशर एच बिलो लिक्विड सरफेस हमें ढूंढना है ठीक है ना. तो देखो क्या क्या होगा यहाँ पर ध्यान से देखना. हाँ मैं क्या क्या कंसिडर करता हूँ. मैं क्या करता हूँ यहाँ पे दो प्रेशर्स की बात हुई पी वन और पी टू. इसमें से एक रहेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एक रहेगा नॉर्मल लिक्विड प्रेशर ठीक है. तो मैं क्या करता हूँ पी वन इक्वल्स टू पी ज़ीरो इसको पकड़ लेता हूँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर
और पी टू इक्वल्स टू पी, जिसके अंदर हम प्रेशर फाइंड आउट करना चाहते हैं, जो प्रेशर हमें चाहिए वो ये है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लगेगा ही, बराबर। अब हम कंसिडर करेंगे ये जो वेसल है, क्योंकि हमें किसी भी डेप्थ पर चाहिए, ये जो टिप है ये अभी हमारे एज पे आ गया है, ठीक है, मतलब इसके हिसाब से डायग्राम क्या होगा, व्हाट विल बी द डायग्राम, डायग्राम विल बी लाइक दिस। ये सपोज एयर, ये हमारा वेसल, ये टिप पर आ गया। नाउ दिस इज एक्स वन, दिस इज एक्स टू, राइट, एंड दिस इज एच, ये लिक्विड है, और ये अंदर है वाटर, राइट, और यहाँ पर है एयर। तो एक्स वन की तरफ ध्यान दो, तो यहाँ पर एक्स वन क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, राइट, यहाँ पर एक्स वन की वैल्यू ज़ीरो होना है, और एक्स वन अगर ज़ीरो हुआ तो एक्स वन माइनस एक्स टू हमने क्या लिखा था, एच लिखा था, तो ज़ीरो माइनस एक्स टू इक्वल्स टू एच हो जाएगा, तो एक्स टू का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस एच। एक्स वन को ज़ीरो क्यों पकड़ा, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं लग रहा पानी का, तो इस वजह से एक्स वन को हमने ज़ीरो पकड़ा। ज़ीरो माइनस एक्स टू इक्वल्स टू एच, तो एक्स टू इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस एच, राइट। तो लेट अस सब्स्टिट्यूट, पी वन का वैल्यू है, पी टू का वैल्यू है, एक्स वन का वैल्यू है, एक्स टू का वैल्यू है, और हमारे पास ये नॉर्मल फॉर्मूला भी है। तो नॉर्मल फॉर्मूला हमारा क्या है, पी टू ए इक्वल्स टू पी वन ए प्लस क्या है, रो ए जी एक्स टू माइनस एक्स वन, तो रो ए जी फिर एक्स वन माइनस एक्स टू, राइट। तो हमने क्या क्या कंसिडर किया था वो कंसिडर करते हैं, इसको पी कंसिडर किया था, राइट, एरिया को अभी कंसिडर नहीं करेंगे, पी वन को एटमोस्फेरिक प्रेशर कंसिडर किया था, पी ज़ीरो, राइट, एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू, राइट, तो इसको हम लिखेंगे गॉज प्रेशर की मदद से, एच रो जी, ठीक है। तो पी इक्वल्स टू पी ज़ीरो प्लस हमारे पास क्या बन जाएगा, एच रो जी, दिस वी हैव ऑब्टेन फ्रॉम इक्वेशन 2.6, इट मीन्स ये वाला इक्वेशन, एक्स वन माइनस एक्स टू, एक्स टू माइनस एक्स वन, सॉरी ये गलती किया है मैंने, यहाँ पे एक्स वन माइनस एक्स टू है, ठीक है, ध्यान रखो इस चीज का, एक्स वन माइनस एक्स टू है, जस्ट सब्स्टिट्यूट एंड दिस विल चेंज, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस एच जी डेंसिटी, ओके। तो से दिस, हियर पी इक्वल्स टू, हियर पी को हम लोग कंसिडर करेंगे, दैट इज एक्चुअली एब्सोल्यूट प्रेशर, एंड पी ज़ीरो हमारा बन जाएगा एटमोस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 4, राइट। तो इसको थोड़ा सा ऐसा एक्सचेंज कर सकते हैं, यहाँ पर लेके जा सकते हैं, तो देयरफॉर पी माइनस पी ज़ीरो इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ मैं, एच रो जी, राइट, केस नंबर 1 में पी माइनस पी ज़ीरो इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, एच रो जी। नाउ द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट प्रेशर एंड एटमोस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड एज गॉज प्रेशर, इसे ही बोलते हैं हम लोग गॉज प्रेशर। और देखो गॉज प्रेशर मतलब ये पूरी तरीके से ये इक्विपमेंट, इसका प्रेशर, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, हाइट
डेंसिटी ऑफ द लिक्विड और ग्रेविटी, जो मैंने एक्सपेरिमेंट के दौरान, मैंने लेक्चर के दौरान प्रूव किया था, एच इंटू रो इंटू जी, ठीक है, दिस विल गिव मी गॉज प्रेशर, राइट। गॉज वो इक्विपमेंट होता है, आ गया, हैज प्रूव्ड, ये आपका डेरिवेशन खत्म, क्लियर। तो अगर हमें, समझो ये ऐसा होता है, केस नंबर टू मैं डायग्राम बनाता हूं, ये लिक्विड, राइट, ये यहां तक ही डेरिवेशन निकला है, चाहो तो ये भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, और मैंने ये जो गॉज है वो ऐसा लिया, और ये वाटर है, वाटर x1, x2, और ये हाइट h, ठीक है। तो यहां पर क्या क्या चेंजेस आएंगे, देखो ये क्या होगा, ठीक है, इसको हम एक नए चीज से मार्क करेंगे, दैट इज डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, पानी से डिस्टेंस, यहां से डिस्टेंस, तो x1 equals to d, राइट, अब x2 equals to 0, क्योंकि ये इधर पहुंच चुका है, राइट, अब ये इधर है, तो p1 equals to p और p2 equals to p0, और डेंसिटी अब हम डिपेंड करेंगे डेंसिटी ऑफ एयर, नॉट वाटर, क्योंकि इसके अंदर एयर आ गया है, डेंसिटी ऑफ एयर आ जाएगा, ठीक है। तो चेंजेस क्या आएंगे इसी फॉर्मूला में, इसी फॉर्मूला में चेंजेस देखो क्या आ जाएंगे, ये तो बदला हुआ है, ये फॉर्मूला में चेंजेस आएगा, पी इक्वल्स टू, सीरियस, पी इक्वल्स टू पी जीरो माइनस, अब यहां पे हाइट नहीं है, अब यहां पे डिस्टेंस है, तो बन जाएगा d डेंसिटी ऑफ एयर इनटू ग्रेविटी, यहां रो मैंने वाटर, यहां पे जो रो है, ये जो रो देख रहे हो ये वाले फॉर्मूले में, ये वाटर का है, अब मैंने जो यूज किया वो किसका है, एयर का है, और माइनस क्यों आया, क्योंकि x1 माइनस x2 माइनस h नहीं हो पाया, इसकी वजह से ये चेंज हो गया। तो दिस इज फॉर केस नंबर टू, क्लियर। तो आज के लेक्चर में हम लोग ने यहाँ तक देखा, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स ये क्या है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगा। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स के साथ हम एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पे जाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज पास्कल्स लॉ, ठीक है। और आज का लेक्चर खत्म होने के बाद तुम्हारे पास नोट्स में पहले स्विमर का न्यूमेरिकल रहना चाहिए और डेरिवेशन दूसरा रहना चाहिए, डेरिवेशन फॉर प्रेशर ऑफ गॉज, क्लियर, ओके, बाय एवरीवन, थैंक यू।